हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे केस कंट्रोल स्ट्रक्चर की। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर के सारे स्टेटमेंट्स पढ़ लिए थे, उसमें आपका लूप, सारे लूप जो आपके फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और उसके साथ ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यूस स्टेटमेंट। आज हम लोग बात करेंगे केस कंट्रोल स्ट्रक्चर की। केस कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं और किन कीवर्ड्स को हम लोग यूज करते हैं केस कंट्रोल के लिए। तो फर्स्ट वी राइट द केस कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए, केस कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं और इनकी क्यों जरूरत पड़ती है। तो इसमें क्या होता है कि इन रियल लाइफ वी आर ऑफन फेस्ड विद सिचुएशन वेयर वी आर रिक्वायर्ड टू मेक ए चॉइस बिटवीन ए नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स रादर देन ओनली वन और टू। मतलब कि रियल लाइफ में कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, कई सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस रहते हैं अल्टरनेटिव में, एक या दो चॉइस नहीं, 8, 10, 12, 4, 6, 8 कितने भी। तो देर आर मेनी नंबर ऑफ चॉइस, ठीक है, और उनमें से हमें कोई एक चॉइस सेलेक्ट करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने कहा कि भाई विच स्कूल टू, कोई कौन सा हमें स्कूल ज्वाइन करना, तो देर आर मेनी नंबर ऑफ स्कूल्स इन ए सिटी। हमने कहा किस कौन से होटल में हमें रुकना है, तो देर आर वेरियस होटल इन द सिटी, ठीक है। तो इस तरह के जो सिचुएशन होती हैं जिसमें आपको मेनी अवेलेबल केसेस में से कोई एक केस सेलेक्ट करना होता है, तो इसको फिर सॉल्व करते हैं केस कंट्रोल स्ट्रक्चर की मदद से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जनरली जो केस कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमें डिसीजन लेना रहता है, तो इसमें डिसीजन लेने के लिए कुछ कीवर्ड्स या कुछ स्टेटमेंट सी में यूज होते हैं। जैसे आज हम लोग बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट की। इसको हम कह सकते हैं डिसीजन विद स्विच, SWITCH, ये कीवर्ड है सी में, कि स्विच स्टेटमेंट की मदद से हम कैसे डिसीजन लेते हैं। तो देखिए, द कंट्रोल स्टेटमेंट विच अलाउज अस टू मेक ए डिसीजन फ्रॉम द नंबर ऑफ चॉइसेस इज कॉल्ड स्विच। ठीक, मैं रिपीट करता हूँ कि द कंट्रोल स्टेटमेंट विच अलाउज अस टू मेक ए डिसीजन फ्रॉम द नंबर ऑफ चॉइसेस इज कॉल्ड ए स्विच, और मोर करेक्टली इट इज कॉल्ड स्विच केस डिफॉल्ट, सिंस दीज थ्री की वर्ड्स गो टूगेदर टू मेक अप द कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब कायदे से देखिए, जिसको इसको हम जो स्विच स्टेटमेंट बोलते हैं, कायदे से इसमें तीन चीजें, जैसे हमने कहा स्विच स्टेटमेंट, तो ठीक है जनरल उसमें हमने बोल दिया स्विच स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें कायदे से तीन चीज यूज होती है, स्विच, फिर केस, और फिर यहाँ लिखते हैं हम डिफॉल्ट। ये तीनों मिल के कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं स्विच स्टेटमेंट का, ठीक। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, देखिए सिंटेक्स पहले अभी हम आपको थ्योरेटिकली समझा रहे हैं, फिर आपको एग्जाम्पल से भी समझा देंगे कि इसका सिंटेक्स ये होता है। सिंपली हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे स्विच ऐसे, यहाँ पे हमें जो भी कंडीशन देनी है, यहाँ हम एक इंटीजर देंगे, इंटीजर एक्सप्रेशन, ठीक है। क्यों इंटीजर देंगे, अभी आपको जब एग्जाम्पल आप करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हम ये अलग अलग केस दें, जैसे हमने कहा केस वन ऐसे हमने लिखा, ठीक, और उसमें जो भी करना है हमने लिख दिया डू दिस, ये एंड हो गया। फिर हमने कहा केस टू, फिर हमने यहां लिख दिया डू दिस, फिर हमने लिखा केस थ्री, फिर हमने लिख दिया यहां पे डू दिस। ऐसे जितने भी केसेस आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, और लास्ट में लिखते हैं डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट में यहां कॉलम रहेगा, फिर यहां हम लिख देंगे डू दिस, मतलब अगर उनमें से कोई केस ना हो ऊपर का तो फिर बाय डिफॉल्ट ये एग्जीक्यूट होगा। ये होता है स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, द इंटीजर एक्सप्रेशन अलाउ फॉलोइंग द कीवर्ड स्विच इज एनी सी एक्सप्रेशन दैट विल यील्ड एन इंटीजर वैल्यू। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे हमने ये जो स्विच के बाद ये जो इंटीजर एक्सप्रेशन दिया है, ये कोई भी इंटीजर एक्सप्रेशन हो सकता है, बस जिसका जो रिजल्ट आ रहा है, जिस उससे जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो एक इंटीजर वैल्यू मिलनी चाहिए, क्लियर।
पहली चीज, इट कुड बी एनी इंटीजर कॉन्स्टेंट लाइक 1, 2, 3 और एनीथिंग एल्स। उसके बाद आ जाइए जो कीवर्ड है केस, ये जो हमने लिखा है इसका क्या है, द कीवर्ड केस इज फॉलोड बाय एन इंटीजर और ए करेक्टर कॉन्स्टेंट, ईच कॉन्स्टेंट इन ईच केस मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर। मतलब यहाँ पे आपने 1 लिया है, फिर ये 2 लिया, ये 3 लिया, ये अब अगर आप कहें कि यहाँ पे 2 हम एक और केस में 2 ले लें या एक और केस में 1 ले लें या 3 ले लें, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकते, ये यूनिक होंगे। तो ईच कॉन्स्टेंट इन ईच केस मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर्स। उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, क्लियर? तो और उसके बाद लास्ट में जो आपका हमने दिया है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट स्टेटमेंट का क्या यूज होता है कि इफ नो मैच इज फाउंड विद एनी ऑफ द केस स्टेटमेंट, भाई इंटीजर एक्सप्रेशन का जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इससे, वो मान लीजिए इसमें इससे या इससे किसी से नहीं मैच कर रही है, तो क्या होगा, तो बाय डिफॉल्ट फिर ये कार्रवाई हो जाएगी। क्लियर? ये होता है स्विच स्टेटमेंट का यूज। अब इसको एक आपको प्रोग्राम बना के दिखाते हैं एग्जाम्पल से, तो और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमने कहा कि कोई हमने प्रोग्राम बनाया, ठीक है, उसमें हमने क्या लिखा कि हमने यहाँ पे लिखा से सपोज कीजिए, हमने यहाँ लिखा मेन, यहाँ हमने डिक्लेयर कर दिया इंटीजर आई इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमने स्विच स्टेटमेंट यूज किया किसके लिए, आई के लिए, यहां हम लिख दिया केस 1। ठीक, उसमें क्या लिखा, प्रिंट एफ आई एम इन क्लास 1 स्लैश एन कर दिए ये। फिर हमने कहा केस 2, यहां हमने लिखा प्रिंट एफ आई एम इन क्लास 2, सेकेंड क्लास में लिख दिया हमने। ठीक है, इस तरह हमने लिख दिया। फिर ऐसी मान लीजिए आप और भी लिख सकते हैं, फिर हमने डिफॉल्ट केस दे दिया, डिफॉल्ट में हमने क्या लिख दिया, प्रिंट एफ आई एम कुछ भी लिख दीजिए, आई एम इन, आई एम नॉट से कुछ भी लिख सकते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू एनी स्कूल, ये लिख दिया हमने, और स्लैश एन लगाइए चाहे नहीं लगाइए, लास्ट लाइन है। ठीक है, ये लिख दिया हमने, और यहाँ पे ये स्विच का स्टेटमेंट बंद हो गया। अब इसमें क्या होगा कि इस प्रोग्राम का स्टेटमेंट क्या होगा, इस प्रोग्राम का स्टेटमेंट होगा जब प्रोग्राम देखिए, यहाँ इंटीजर आई इक्वल टू 2 आया यहाँ पे हुआ। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि कहीं पे कोई चीज हमने इसको वो तो किया ही नहीं है। अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आई एम इन क्लास 1, आई एम इन क्लास 2, आई एम नॉट गोइंग टू एनी स्कूल। तो क्या होगा कि इसमें इस रिजल्ट का तो कोई मतलब ही नहीं होगा, ठीक है ना, इस रिजल्ट का कोई मतलब नहीं होगा। डेफिनेटली दिस इज नॉट वॉट वी एक्सपेक्टेड, वी डिड नॉट एक्सपेक्ट द सेकेंड एंड थर्ड लाइन इन द अबव आउटपुट। भाई हमें हमें इस लाइन की सेकेंड और थर्ड लाइन की उम्मीद नहीं थी। द प्रोग्राम प्रिंट्स केसेस 2 एंड 3 एंड द डिफॉल्ट केस। तो प्रोग्राम क्या कर रहा है, 1, 2, 3 में, अच्छा यहाँ पे हमने 3 नहीं लिया है, तो हमें इसमें क्या होगा कि द प्रोग्राम प्रिंट्स केसेस 2 एंड डिफॉल्ट केस। तो प्रोग्राम क्या करेगा, ये और ये प्रिंट करेगा। वी सेट द स्विच एग्जीक्यूट द केस वेयर अ मैच इज फाउंड एंड नॉट एंड ऑल द सब्सिक्वेंट केसेस एंड द डिफॉल्ट एज वेल। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या होगी कि स्विच क्या करेगा, जहां पे मैच फाउंड होगा, जैसे 2 है ना, तो ये 2 प्रिंट करेगा ये लाइन, और उसके बाद की सारी लाइन
ठीक है, मतलब कि डिफॉल्ट भी प्रिंट कर देगा, जबकि ये गलत है। तो इफ वी वांट दैट ओनली केस टू शुड बी एग्जीक्यूटेड, इट इज अप टू अस टू गेट आउट ऑफ द कंट्रोल स्ट्रक्चर देन एंड देयर बाय यूजिंग ए ब्रेक स्टेटमेंट। तो भाई अभी आप इसको रन कराएंगे तो क्या होगा, आई इक्वल टू, चूंकि आपने टू दिया है तो ये लाइन प्रिंट होगी और ये लाइन भी प्रिंट होगी, समझ रहे हैं आप, जबकि I am in class 2, I am not going to any school, तो ये तो कन्फ्यूजन ही क्रिएट करेगा। हमें क्या पता, हमें क्या उम्मीद थी कि भाई हमने 2 दिया है तो केवल ये लाइन प्रिंट हो। तो अगर आप ऐसा करना चाहते, अभी क्या होगा, ये लाइन प्रिंट होगी और उसके बाद डिफॉल्ट वाला भी प्रिंट हो जाएगा। तो केवल इस लाइन को प्रिंट करने के लिए या केवल किसी एक केस को एग्जीक्यूट होने के लिए आपको हर केस में लास्ट स्टेटमेंट, आपको ब्रेक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ऐड कर देंगे ब्रेक। हम देखिए इसलिए दूसरे कलर से ऐड कर रहे हैं ताकि आप यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, यहाँ आप कर दीजिए ब्रेक, ऐसे यहाँ भी आप कर दीजिए ब्रेक ऐसे, और डिफॉल्ट में ही रहने दीजिए, डिफॉल्ट लास्ट स्टेटमेंट है। अब इसमें क्या होगा कि अगर आप आई को टू देंगे तो आई एम इन क्लास टू, उसके बाद ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, मतलब लूप से बाहर आ जाएगा कंट्रोल। या अगर आप यहाँ वन भी देंगे तो आई एम इन क्लास वन होगा और उसके बाद ये ब्रेक एग्जीक्यूट होगा तो लूप से बाहर आ जाएगा कंट्रोल। ठीक, और अगर इनमें से कोई केस नहीं कॉमन होगा, ना केस 1 2 3 4 कोई, अगर इनमें से कोई केस नहीं मैच करेगा आई की वैल्यू से, तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी और ये लास्ट लाइन है तो अपने आप ही कंट्रोल बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब कि स्विच के केसेस जब आप देंगे तो आपको ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर मान लीजिए इसमें अभी भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिएगा। और वैसे भी इस स्टेटमेंट को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं दोबारा से आपको फ्लो चार्ट्स की मदद से और क्लियर करके बताऊंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो कॉन्टेंट पसंद आ रहा, अगर वीडियो कॉन्टेंट पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।